ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग, जो कि आपने देखा होगा अभी Instagram पे। तो गाइस, इस टाइप की जो फोटो है हम आज एडिट करने वाले हैं और आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों को एडिट करना है। और गाइस, इस वीडियो में जो भी स्टॉक वगैरह मैं यूज करूंगा सारा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन भी कर लेना आप लोग। आप लोगों को जो भी अपडेट्स होंगे वहाँ पे मिलते रहेंगे एंड बाकी आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलते रहेंगे वहाँ पे, तो आप लोग देख लेना जाकर, ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे एडिटिंग से रिलेटेड जो है इस चैनल पर वीडियोज आती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है मेरे टेलीग्राम से जाकर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। यहाँ पे जो मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से रिमूव कर रखा ताकि आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो है इसको यहाँ पे ऐड कर लिया हमने। अब गाइस देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जो है मॉडल को गाइस कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे एडजस्ट में वगैरह है वो मॉडल की थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे गाइस, ठीक है। और वैसे चाहो तो ये काम आप लाइट रूम ऐप में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से करो, लाइट रूम ऐप से करो, एक ही बात है, बट लाइट रूम ऐप से ज़्यादा बेटर रहता है मेरे ख्याल से, है ना। तो आप लोग जहाँ से बेटर लगे आप देख लेना अपने हिसाब से। तो अभी जो है नीचे से हम एक पैर को रिमूव करेंगे ताकि हमें जो है बैक साइड में दिखाना है, ठीक है। एंड जो आगे वाला पैर है वो हमें फ्रंट साइड में दिखाना है, ठीक है। तो अभी इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में दोबारा एंड यहाँ से गन का PNG ऐड करना है, ठीक है। और अगर इस गन का नाम आपको मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। मेरे को तो मालूम है बट मैं देख जानना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला गन का नाम बता देना आप, और अगर आप PUBG खेलते हो तो आपको तो पता ही होगा, है ना। तो बाकी फिर भी देखते हैं किस किस को मालूम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे, बाकी जो है यहाँ से हम इसको पेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो है हैंड पे दिखाना है एकदम रियलिस्टिक टाइप से, ठीक है। तो हम जो है इसको इस टाइप से ऐसे पेंट करेंगे, परफेक्ट एकदम बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस, ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब कि जो ये रिमूव करके और ऐड करने वाली चीज़ें, ये होती है गाइस थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की, मतलब कि इसमें जितने अच्छे तरीके से आप ज़्यादा टाइम दोगे ना उतनी अच्छे प्रोफेशनल टाइप से ये एडिट होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ना कभी भी ये मत सोचना कि जल्दबाजी में जो है हम फोटो एडिट करें फटाफट और अपलोड मार दें। तो इसलिए गाइस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो है हमेशा जब भी कुछ बैकग्राउंड रिमूव या इरेज करने को मैं जब भी बोलता हूँ तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा टाइम देकर किया करो। और इस चीज़ में प्रोफेशनल अगर आपको बनना है ना तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करो करो कि एडिटिंग में जो है आप लोग ज़्यादा ज़्यादा हार्ड हार्ड चीज़ों को रिमूव करना पड़े, आपको पेस्ट करना पड़े, ये चीज़ आप लोग ज़्यादा करा करो। तो आपको जो है इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो आप लोग जो है उस चीज़ में ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल बनते जाओगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, समझ रहे होगा इस, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है तो अभी हमारा ये काम तो इतना हो चुका है, ठीक है, मतलब कि जो आगे का थोड़ा काम रह रहा है वो तो फटाफट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इसको इतना रह रहा था, तो बाकी जब तक मैं कर रहा हूँ यार वीडियो का लाइक भी कर सकते हो आप लोग, अगर अभी नहीं किया है आप लोगों ने तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार आपको पता ही होगा चैनल तो मेरा कितना डाउन हो चुका है यार, है ना। बट हम कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, एडिटिंग जो है आती रहेगी, चैनल कितना भी डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग ये चाहो तो मेरे को मतलब कि मेंशन वगैरह कर सकते हैं फोटोज़ में, वहाँ से तो मैं कंसेप्ट दे ही दूँगा आपको। बाकी इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना अपने गन के हिसाब से, यहाँ पे मैंने कर लिए। तो अभी जो है क्या करेंगे हम, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में जाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा क्या करेंगे जो मतलब कि यहाँ था, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी अभी, इसमें फिलहाल डन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी जो है फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, ठीक है, क्योंकि रिटच करके तो हमें रियलिस्टिक बनानी है ना। तो लाइट रूम मैंने ऐड कर लिया है। अब गाइस देखिए लाइट में क्या होता है कि इसमें जो करेक्शन होती है वो सबकी अलग अलग होती है लाइट में, है ना। किसी का मॉडल थोड़ा सा एक ज़्यादा ओवर एक्सपोज होता है, किसी में एक्सपोजर कम होता है, तो ये सब चीज़ें जो है लाइट वाली ये अलग होती है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से करना, बाकी कलर्स में आप मेरा सेम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, परफेक्ट। इसके बाद क्या करना है, येलो कलर लेना, इसका ह्यू जो है माइनस कर देना है, एंड ब्लू कलर लेना, इसका ल्यूमिनस कम कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद डन कर देना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना, नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है, फोटो में डाल देना है विगनेट हल्का सा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे राउंडनेस को भी कम कर देना है, फीदर को भी इंक्रीज कर देना है, नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है ताकि फोटो जो है HD क्वालिटी में हो जाए, एंड नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना ताकि जो भी फोटो में नॉइज़ होगा वो गायब हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।